स्वागत है आप सबका कच्छ के इस सेकंड पार्ट में। कच्छ के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा जैसल तोरण की समाधि, कालू डूंगर और सफ़ेद रण को। इस सेकंड पार्ट में आप देखेंगे मातानुमढ नारायण सरोवर और कोटेश्वर महादेव के मंदिर को। आशापुरा माता जी मंदिर में जाने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा गांधीधाम या फिर भुज। अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट से आपको इंडियन गवर्नमेंट की बसों के साथों साथ प्राइवेट बस भी गांधीधाम और भुज के लिए मिल जाएगी। आप आना चाहते हैं बाय ट्रेन तो भुज के लिए आपको कच्छ एक्सप्रेस या भुज एक्सप्रेस अहमदाबाद से मिल जाएगी, जिसकी दूरी है 350 किलोमीटर की। आप आना चाहते हैं बाय एयर तो भुज के लिए आपको दिल्ली और मुंबई से भुज के बीच दैनिक विमान सेवा भी उपलब्ध है। भुज हवाई अड्डा शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। मातानुमढ माँ आशापुरा को समर्पित एक मंदिर है और गुजरात के भुज शहर से तकरीबन 138 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। माँ आशापुरा का ये मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो जाडेजा की कुलदेवी को समर्पित है और कक्कड़बिल के पश्चिम में स्थित है। जो मंदिर आज मजबूती से खड़ा है उसका निर्माण सुंदरजी सौदागर ने करवाया था। आशापुरा मंदिर में कई महत्वपूर्ण धार्मिक गतिविधियाँ की जाती है और कई हिंदू त्यौहार जैसे दीपावली, नवरात्रि आदि बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ माता के मठ कच्छ में और इसकी गांधीधाम से दूरी है तकरीबन 160 किलोमीटर की। 1200 साल पुराना मूल मंदिर भूकंप के कारण दोबार ध्वस्त हो चुका है। अभी मैं खड़ा हूँ बिल्कुल आशापुरा माता जी के इस मंदिर के पास और आप यहाँ पे अपने हिसाब से सारी वो चीज़ों की खरीदी कर सकते हैं, खास तौर से यहाँ के कच्ची प्रिंट्स के बेडशीट और बांधनी सूट। नारायण सरोवर गुजरात के कच्छ जिले के लखपत तालुके में स्थित है जो एक तीर्थ स्थान है। आशापुरा माता के मठ से नारायण सरोवर की दूरी है 58 किलोमीटर की। फाइनली मैं अभी पहुंच चुका हूं नारायण सरोवर और ये नारायण सरोवर का बोर्ड आपको सामने नजर आ रहा होगा। जस्ट इसके सामने ही है ये द्वार जो नारायण सरोवर और मंदिर को जाता है। ये नारायण सरोवर का मुख्य गेट है। अंदर जाते ही आपको नजर आएगी ये पुराने घर और सामने ही नजर आएगा ये विष्णु भगवान जी का मंदिर जो यहाँ का मुख्य मंदिर है। इसी के ठीक पीछे ही है नारायण सरोवर। विष्णु भगवान मंदिर के बिल्कुल सामने ही है ये द्वारकाधीश का मंदिर और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। यहाँ पर होता है सिंधु नदी का सागर से संगम। नारायण सरोवर में कार्तिक पूर्णिमा से 3 दिन का भव्य मेला आयोजित होता है जिसमें उत्तर भारत के सभी संप्रदायों के भक्त शामिल होते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णित 5 पवित्र सरोवर मान सरोवर, बिंदु सरोवर, पुष्कर सरोवर, पंपा सरोवर और ये है नारायण सरोवर। माना जाता है कि प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु इस पवित्र सरोवर में डुबकी लगाते हैं क्योंकि इस सरोवर की रचना भगवान विष्णु के द्वारा की गई है। उन्हीं के नाम पर से इस सरोवर का नाम पड़ा है नारायण सरोवर और नारायण सरोवर का अर्थ होता है विष्णु का सरोवर। पहले नारायण सरोवर में ठहरने, भोजन आदि की व्यवस्था नहीं थी, इस कारण वह श्रद्धालुओं को बड़ी ही कठिनाई होती थी, किंतु अब स्वयंसेवी संगठनों ने यहाँ पर ठहरने और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कर दी है। यहाँ पर आना जाना भी अब सुगम हो गया है। कोटेश्वर गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक प्राचीन बंदरगाह एवं सुप्रसिद्ध यात्रा धाम है। सिंधु नदी और सागर का जहां पर संगम होता है ऐसे सागर के तट पर स्थित यह स्थल पवित्र यात्रा धाम नारायण सरोवर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कोटेश्वर का प्राचीन मंदिर टूट चुका है और समुद्र तट पर भग्नवेश आज भी दिखाई पड़ते हैं। वर्तमान काल में यहाँ पर कोटेश्वर और नीलकंठ नाम के 2 मंदिर विद्यमान है। मंदिर एक बुलुआ पत्थर की पहाड़ी पर स्थित है और समुद्र के सामने एक दीवार से गड़ा हुआ है। प्रवेश द्वार के शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 171 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1877 में हुआ था, जिसे सुंदरजी सेठ और जेठा शिवजी ने करवाया था। मंदिर में 3 गुंबद है। कच्छ राज्य के राव लाजी
प्रथम द्वारा प्रस्तुत एक नक्शीदार पीतल का नंदी भी यहाँ पर मौजूद है। मंदिर में भगवान गणपति और हनुमान की छवियाँ और पार्वती की छवि भी है। कोटेश्वर की कहानी शुरू होती है रावण से। शिवलिंग की स्थापना ना त्रेता युग में हुई दशानंद रावण के द्वारा। कैलाश में तपस्या के लिए भगवान को उन्होंने प्रसन्न किया था। भगवान ने वरदान मांगने को कहा था। वरदान में रावण ने मांगा था, हम सही आपकी भक्ति करना चाहते हैं, अब कैलाश छोड़िए, लंका विराजिए, हमें कोई जीव मार ना पाए, हमें अमृतों का वरदान चाहिए। भगवान ने अपने आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न करके शिवलिंग दिया था लेकर लंका में स्थापना के लिए। लेकिन भगवान ने कहा था कि भूमि का स्पर्श नहीं करना, जहाँ स्पर्श होगा वहीं विराजमान हो जाएंगे। रावण भगवान को आकाश मार्ग से ले जा रहे थे। देवों को संशय हुआ, सोचे रावण अमर हो जाएंगे, सृष्टि कर्म में खामी कर देंगे। ब्रह्मा जी गौ रूप लेके कीचड़ में फंस गए थे। स्वयं भगवान विष्णु आके एक ब्राह्मण तपस्वी के रूप से गौ निकाल रहे थे, चिल्ला रहे थे गौ रक्षा के लिए। कोई नीचे सुनने वाला नहीं था। आकाश मार्ग से रावण भगवान को ले जा रहे थे। सारी देवों की कृपा थी, कान में शब्द पड़ रहे थे, कोई चिल्ला रहा है, आकाश के मार्ग में कोई दिखाई नहीं पड़ा। जब उनकी दृष्टि इस भूमि पे गई, देखा तो ब्राह्मण की चरण से गौ निकालते दिखाई पड़े। सोचा गौ रक्षा धर्म है करके वो नीचे आए। एक हाथ में उन्होंने लिंग रखा, एक हाथ से गौ निकालने का प्रयत्न किया। अपनी बलबुद्धिया विद्या सारी लगा दी, लेकिन कीचड़ में से गौ निकाल नहीं पाए। चारों ओर कीचड़ फैला था, ये टापू दिखाई पड़ा तो उन्होंने भगवान को विराजमान कर दिया, भगवान का दिया वरदान भूल गए, चले गए गौ रक्षा के लिए नीचे। जैसे वहाँ पास में पहुंचे, गौ अदृश्य हो गई, कुंड बन गया, वो आज भी समुद्र के अंदर है, जिसे गया कुंड कहते हैं। रावण समझ गए देवों ने छल किया है। पीछे मुड़ के देखे थे, एक लिंग रखे थे वहाँ, कोटिलिंग का दर्शन हो रहा था, समझ नहीं पा रहे थे कौन सा शिव हम लाए थे। ध्यान किया था, आकाशवाणी बोल दे भगवान शिव का वचन भूले, भगवान ने कहा था जहाँ रखोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने तप किया, उनके तप के बल से जो दैविक माया रची गई थी सारी अदृश्य हो गई, एक रह गया तो उठाने का प्रयत्न किया। उसी समय उसकी उंगलियों से शिवलिंग दब गया, आज भी दबा हुआ शिवलिंग है, लेकिन रावण से नहीं उठाया गया। रावण चले गए तो देवों ने इनकी स्थापना की, प्रसिद्ध किया। रावण ने एक लिंग रखा था, कोटिलिंग दर्शन हुआ, इसलिए कोटेश्वर नाम प्रसिद्ध किया गया। मंदिर में एक स्वयंभू लिंग है जिसे महादेव का अवतार माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में मंदिर में कई नवीनीकरण हुई है, जिससे मूल संरचना और डिजाइन में काफी बदलाव आया है। कवि दंत ये भी है कि कोटेश्वर शिव को हिंगलाज माता का शिव अवतार भैरव कहा जाता है, जिनका मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लासवेला जिले में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों मंदिरों के दर्शन करने से तीर्थ यात्रियों को परम आशीर्वाद मिलता है। कोटेश्वर महादेव का ये मंदिर भारतीय पश्चिम सीमा का अंत है और यहाँ से आगे आम आदमी को जाने नहीं देते, यहाँ पे सिर्फ सैन्य कर्मी ही जा सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल थोड़ी ही दूरी पर बना हुआ है बीएसएफ पॉइंट। गुजरात को कच्छ से जोड़ने वाला भारतीय सीमा का ये अंतिम स्थान है। यहाँ से समुद्र में पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान की सीमा का प्रारंभ होता है। यहाँ से रात में कराची पाकिस्तान से आने वाली रोशनी की चमक को भी आप देख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।